लेकिन कुछ नहीं, रात को पी के आया, रात को दारू पी के आया, दारू पी के आके ना गाली गलौज देने लगा। तो मैंने खाना निकाला, मैंने कि खाना खा लो, तो खाना माना नहीं खाया और मेरे को लात गुस्से से मारने लगा। तो बगल में किरादार रहते थे, मैंने उनको आवाज लगाई, मैंने की पप्पन पप्पन, मैंने की बचाए मेरे को। तो पप्पन और रेशमा दो जने आए मेरे को, सो मेरे को पकड़ के नहीं अपने घर में ले गए। तो मैं वहां जाके बैठ गई, फिर गाली गलौज देते देते फिर उनके घर में पहुंच गया। तो वहां जाके कहने लगा कि तेरे को तो मैं जान से मार डालूंगा, तेरे को तो जिंदा छोड़ूंगा नहीं। मतलब तो मैंने कही मैं कि मेरे रेशमा मैन की मेरे बच्चों को लिए फोन लगा दे, मैं इनकी मेरे विशाल को मेरे सागर को बुला दे मैं इनकी। तो उसने फोन लगाया, तो बस उससे बोला कि है ना वो तो फोन लगाने बाहर निकल आई और मेरे को पलंग पे चढ़ बैठा, मेरे को दबा ली उसने और मेरी गर्दन पकड़ ली और दांतों से मेरी नाक दाब ली और मैं चिल्ला रही। तो वो पप्पन पहुंचा, सो पप्पन ने उसको पकड़ा तो वो नहीं छूटा उससे। जब उसने जब छोड़ा मेरे को, जब उसने मेरी नाक कतल ली, जब उसने मेरे को छोड़ा अलग कर दी उसने और फिर जेब में रखे नहीं वो नहीं। फिर वो उठा वहां से, ये तो मैं उठी बड़बड़ा के नहीं, सो मैं अपनी ऐसे ही दौड़ी दौड़ी मैं थाने पहुंची। मतलब वहां थाने पहुंची तो मेरे लड़के भी आ गए, मेरे और भी बच्चे थे वो भी सब आ गए। वहां मैंने रिपोर्ट मपोर्ट डाली, मतलब वहां मेडिकल हुआ, वहां उन्होंने वैसी पट्टी कर दी मेरी, बच्चे मेरे घर पे ले आए। सवेरे आया मतलब तो देख के नहीं और भाग गया। कल दिनांक 20/1/17 की रात को 10:30 बजे करीब महिला चंद्रा साग की पत्नी सुभाष साग निवासी जगना पुराने रिपोर्ट की थी कि मेरे पति द्वारा मेरी मार पीट गई और अपने दांतों से मेरी नाक काट ली, जिस वजह से उसके खिलाफ अपराध का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। पति भज गया घर से। नहीं ऐसा कहना गलत है, अलग से नहीं कटी, वैसे दांतों से कटी। नहीं ऐसा कहना गलत है, ऐसा कुछ नहीं।